फर्जी स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से नाराज विद्यार्थी और उनके परिजनों ने शिक्षा विभाग पहुंचकर एक बार फिर से शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल ग्राम डलावत में विगत 3 वर्षों से फ्यूचर क्रिएशन एकेडमी के नाम पर ठगी की पाठशाला चलाई जा रही थी। बिना मान्यता के स्कूल का संचालन कर जिम्मेदारों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इसके बाद बच्चों ने अन्य स्कूल में जाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र मांगा तो स्कूल की मान्यता नहीं होने से संचालक ने दास्ता खेड़ी के स्कूल की रसीद थमा दी और अपनी धोखाधड़ी को छिपाने के लिए ज्ञानदीप स्कूल बेरछाड़ से फर्जी अंकसूची और TC बनाकर परिजनों को थमा दी। उक्त दस्तावेज लेकर जब विद्यार्थी इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे तो पता चला कि अंकसूची से लेकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी स्कूल की ही तरह फर्जी हैं। साथ ही किसी भी बच्चे को स्कूल में मैप्ड भी नहीं किया गया है। शिक्षा के नाम पर हुए छलावा से परेशान विद्यार्थियों ने अपने परिवार के साथ शाजापुर पहुंचकर शिक्षा विभाग में शिकायत की। विभाग ने जांच रिपोर्ट के उपरांत BRC को निर्देशित किया कि वे स्कूल संचालक सूरज सिंह पर FIR दर्ज कराएं, परंतु आदेश मिलने के बाद भी BRC ने संचालक पर कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई। नतीजतन मंगलवार को शाजापुर पहुंचकर विद्यार्थियों ने शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी समस्या बढ़ गई है, हम लोग अपना वो मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम लड़ावत से, मतलब कि ग्राम लड़ावत में पहले 3 साल से फर्जी स्कूल चल रहा था, सूरज सिंह राजपूत के द्वारा संचालित था। और हमने मतलब लगातार जब से ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर ऑफिस, DO, अपने BRC और थाना प्रभारी SP साहब को भी दिया है आज, और कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। और गांव से मतलब कि वो है ना सूरज सिंह राजपूत 2-4 बंदों मतलब खाने पीने वालों को लेके और FIR को मतलब रोक दी गई, और FIR DO साहब ने बहुत 3-4 दिनों पहले ही मंजूर कर ली थी, पर वो दर्ज नहीं की जा रही है, मतलब FIR दर्ज नहीं हो रही है।